हंसकर हंसा मस्ती में गा, पल होगा क्या, होगा क्या, भूल जा। आप मुझे कुतिया क्यों कहते हैं? तो फिर क्या कहूँ, हथनी कहूँ, भैंस कहूँ, क्या कहूँ? धर्म पत्नी। सुनिए जी, ये इंस्पेक्टर पुलिस है, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी को अंग्रेजी नहीं आती, तो सीधी साधी हिंदुस्तानी में बातचीत कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। बॉलीवुड में अब तक कई महान फिल्मों का निर्माण हुआ है, जिन्हें देखकर लोग आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में थीं जिनके निर्माण की शुरुआत तो हुई लेकिन वह लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि किसी न किसी वजह से बीच में ही रद्द कर दी गई थी। ऐसी एक फिल्म महान अभिनेता राज कपूर की बहुरूपिया थी, जिसके निर्माण की शुरुआत तो हुई थी लेकिन कुछ रीलों की शूटिंग के बाद बंद हो गई। कल हंसा मस्ती में गा, कल होगा क्या, होगा क्या, भूल जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं बादाम पिस्ता खा रहा हूँ। क्या कहा? बादाम पिस्ता? 3 पैसे की मूंगफली खा रहा है और कह रहा है कि बादाम पिस्ता खा रहा हूँ। धर्म पत्नी? जी हाँ, मैं आपके पिछले जन्म की धर्म पत्नी हूँ और 7 जन्म तक आपके साथ रहूंगी। तुम तो रिपोर्टर पर ऐसे बदमाशों से मिलते क्यों? ना जी। डाके की खबर तुम्हें रात के 11 बजे मिल चुकी? हाँ जी। तुमने ये खबर पुलिस को? ना जी। सबसे पहले अपने माँ को? हाँ जी। ये खबर देने तुम्हारे पास कोई आया? ना जी। तो ऐसे ही मिल गई? हाँ जी। तुम कहीं बाहर गए हो? ना जी। कोई आया नहीं? हाँ जी। तुम गए नहीं? ना जी। फिर भी तुम्हें ये खबर मिल गई? हाँ जी। कैसे मिल गई? कोई तारा है? टेलीफोन है? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं गरीब आदमी, मेरे पास टेलीफोन कैसे हो सकता है? मुझे तार सिर्फ किसी के मरने पर आती हूँ। बैठ जाओ। ना जी, बैठ जाओ। जिसमें राज कपूर जी ने एक जोकर की भूमिका निभाया था, जैसा उन्होंने बाद में फिर मेरा नाम जोकर में जोकर की भूमिका में दिखाई दिए थे। बहुरूपिया फिल्म में राज कपूर के विपरीत वैजयंती माला थी। पहले आप इस दुर्लभ दृश्य को देखिए, फिर हम इसके बारे में और जानकारी देंगे। मस्ती में गा, कल होगा क्या, होगा क्या, भूल जा। हंस कर हंसा, हंस कर हंसा। मैं आपको नई जिंदगी दूंगी। मैं वो तोहफा लेकर आई हूँ कि दुनिया आपके पांव पड़ेगी। मैं कल अखबारों में आने वाली खबरें आज बता सकती हूँ, एक दिन पहले। तो कल की खबरें आज बता सकती, एक दिन पहले? हाँ, इसका मतलब है कि मैं कल की खबरें आज अखबार में देखकर बड़ा रिपोर्टर बन सकता हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, रुपया कमा सकता हूँ, तब लोग मुझे बेवकूफ नहीं समझेंगे। तो बता, 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 कल अखबार में कौन सी बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं? बता, बता। कल सवेरे 10:30 बजे। एक मिनट, मैं सब लिख लेता हूँ। अभी वो कल सवेरे 10:30 बजे रिपब्लिक बैंक लूटा जाएगा। रिपब्लिक बैंक? 3 खून होंगे। आहिस्ता आहिस्ता, एक मिनट, एक मिनट। जी हाँ, पुलिस स्टेशन से। कहिए, क्या काम है? डाका, बैंक पर डाका, 3 खून। सामने आ रहा है आपको? जी हाँ, मुझे पहले ही मालूम था। ये खबर आपने दी? जी हाँ, जी हाँ, मैंने दी थी। मुझे तो पहले से मालूम था। जी हाँ, आपको मालूम था? जी हाँ, मुझे मालूम था। बैंक लूटी जाएगी, 3 खून होंगे, 7 आदमी जख्मी होंगे, 8.5 लाख रुपए की चोरी होगी। जी हाँ, ये गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्यों? ले चलो। बिना अंदर भेजे नहीं मानोगे? इसे अटकल लगा लो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल निर्दोष, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो खामखा इसमें फंस गया। तू बोलती क्यों नहीं? कल तू इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आपसे शर्मा गई। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप थोड़ी देर के लिए हम मियां बीवी को अकेला छोड़ दें तो ये मुझसे कुछ कहेगी? ये पत्नी का फंदा जो मेरे गले में डाला, इसका शुक्रिया था। मगर मेहरबानी करके ये तो बताओ, बोलती क्यों नहीं? मैं किसी दूसरे के सामने कभी नहीं बोलूंगी। अच्छा अच्छा, मान लिया मान लिया, मगर इस मुसीबत से तो बचाओ दीदी। ये बताओ, कल की खबर क्या आने वाली? कल शहर के एक बड़े सेठ की इकलौती बेटी अपोलो बंदर से समंदर में कूद कर आत्महत्या की कोशिश करेगी, और दूसरी खबर होगी। मेरी बीवी ने कल की खास खबरें बता दी। बता दें कि इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जय किशन ने, गानों के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, और जो गाना आपने सुना उसे अपनी आवाज दी थी मन्नाडे ने। वहीं फिल्म को निर्देशित किया था नंदलाल जसवंत लाल ने।
प्रोड्यूस किया था नवीन चंद्र शाह ने। इस फिल्म का निर्माण चंद्र मूवीज के बैनर तले हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी वजह से फिल्म को रद्द कर दिया गया था और दर्शक राज कपूर के द्वारा अभिनीत इस शानदार फिल्म को देखने से वंचित रह गए थे। वैसे तो फिल्म के दृश्य को देखकर यही लगता है कि बड़ी मजेदार फिल्म थी और अगर रिलीज हुई होती तो अवश्य सफल होती। मित्रों, आप लोगों के अनुसार क्या बहरूपिया फिल्म रिलीज हुई होती तो हिट होती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।